लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद आराधना शुक्ला ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा सफल संपन्न कराई जाए इस विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि COVID-19 की वजह से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में पिछले अंकों के आधार पर परीक्षार्थियों को पदोन्नत कर दिया गया था। अब जिन छात्र छात्राओं को नंबरों को लेकर दुविधा रही है उनकी परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी। इच्छुक परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए UP बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा कराने के लिए सेंटरों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद को अतिशीघ्र भेजकर उन परीक्षार्थियों की परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जा सके। साथ ही शताब्दी महोत्सव मनाए जाने के लिए अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर रेखा दिवाकर, DIOS ज्ञानेन सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा सेंटर भी दिए हैं, केंद्र दिए हैं, तो नकल नहीं होनी है किसी भी दशा में। उसके लिए जो पहले से प्रावधान है हमारे और जो पहले से चल रहा है उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम परीक्षा कराएंगे और नकल नहीं होगी किसी दशा में। और कापियां आपके पास हैं इसलिए कि पहले से कापियां अप्रैल में जो परीक्षा थी डेट थी अभी पहुंच चुकी है, पेपर आपके पास पहुंच जाएगा समय से। लेकिन मेरा केवल इतना आग्रह है कि जो 25 जनपद के लोगों ने अभी केंद्र निर्धारित एलमलाई की सूची आप लोगों ने भेजी थी, उस दिन डॉक्टर साहब के साथ जब गूगल मीट हुई थी उसमें तय किया गया था कि अभी तक आपने सूची भेजी है लेकिन एक और सूची उसको फिल्टर करके दी जाए और मंडल स्तर पे उसकी पहले चर्चा तो बेहतर ये होता कि समितियों को आप बुला लेते।